नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुरार क्षेत्र में स्थित एक पार्क में। जी हां, ये पार्क हालांकि लोगों की नज़र में नहीं है। ये पार्क आपका जड़ेरुआ बांध की तरफ हम जब जाते हैं तो बीच रास्ते में पड़ता है और इसी पार्क में एक प्रशिक्षण आयोजन किया जा रहा है ताइक्वांडो का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं बच्चों को, और साथ में जो प्रशिक्षण दे रहे हैं वह है अक्षय कैंसर हैं, जो कि लगभग 5 महीने से इस पार्क में यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वह प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको विधाएँ सिखाई जा रही हैं कि किस प्रकार से हम सेल्फ डिफेंस, अपनी स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, जो कि समय की मांग है, समय की आवश्यकता भी है। तो कहीं ना कहीं आत्मरक्षा के गुर यहाँ पर प्रशिक्षण देते हुए, और कई बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, अलग अलग एज ग्रुप के देख रहे हैं। हम यहाँ के जो प्रशिक्षक हैं अक्षय कैन सर, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हम देखते हैं इनकी पहले एक्टिविटीज़ क्या सिखाया जा रहा है। आखिरकार अक्षय कैन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप लाइव जुड़े हुए हैं इंडिया खबर लाइव से। सर, आप अभी बच्चों को जो सिखा रहे हैं ये क्या स्टेप है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। थैंक यू सर। ये सेल्फ डिफेंस ताइक्वांडो है। इसको मार्शल आर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जाना जाता है, ओलंपिक के अंदर भी है ताइक्वांडो, और अपना एशियाड गेमों में है, कॉमनवेल्थ में भी है। और हम यहाँ ग्वालियर के अंदर समथिंग 25 ईयर से इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक खेल रहे हैं। मैं आपसे सर जानना चाहूँगा, ये प्रशिक्षण यदि लेना चाहते हैं कोई, तो वो किस एज ग्रुप से शुरू कर सकते हैं इस प्रशिक्षण को? क्या कोई तरीका है, कोई प्रोसेस है आपके ही शब्दों में सर? ये तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस बच्चे को किस एज में स्टार्ट कराना चाह रहे हैं। हमारा कम से कम जो उम्र होती है 3 साल से ऊपर होना चाहिए जी। हमारे पास अभी 3 साल के भी बच्चे हैं, 4 साल के भी हैं जी, 5 साल के भी हैं जी। सर, बहुत सारे दर्शक सुबह के समय इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं। आपसे सर और जानना चाहूँगा, क्या स्टेप्स होती हैं ताइक्वांडो के संबंध में, किस स्टेप से शुरू किया जाता है, कहाँ तक जाया जा सकता है? आपसे समझे, सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारे जो हैंड्स हैं उनसे हम अपना डिफेंस कैसे करेंगे। पंच सिखाए जाते हैं, ब्लॉक्स सिखाए जाते हैं, अटैक सिखाए जाते हैं, फिर हमारे लेग की बारी आती है, तो पैर को किस किस तरीके से हम बार करके अटैक करके अपना डिफेंस कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से पैर को हम चलाते हैं, सामने वाले को हमें रिपीट खिलाना है, तो हमें अपना बचाव कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम बच्चों को बारी बारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, किस किस तरीके से किक चलाई जाती है, कैसे अटैक किया जाता है, कैसे डिफेंस किया जाता है। सर, मैंने आपको देखा, आप जो भी गर्मी की छुट्टियां होती हैं उन प्रशिक्षण में भी आप अक्सर दिखाई देते हैं और बच्चों को यह विधाएं आत्मरक्षा की सिखाते हुए देखते हैं अक्सर। तो सर, आपको मैं शहर के अंदर कहां कहां आपके प्रशिक्षण हो चुके हैं, एक छोटे शब्दों में यदि मैं समझना चाहूं सर? शहर में शायद ही कोई स्कूल बचा है जहाँ हमने प्रशिक्षण नहीं दिया हो, और शायद ही कोई ऐसी जगह है। ग्वालियर शहर के अंदर हजारों बच्चे इस प्रशिक्षण को ले चुके हैं। बेटी रक्षा मंच की तरफ से भी मैं कई जगहों पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया है, आनंदम ग्रुप की तरफ से भी किया है हमने, प्लस क्रीड़ा भारती की तरफ से भी किया है, और यहाँ जो जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन है उसको भी हम मेंटेन करते हैं जी। सर, अब मैं आपसे कुछ स्टेप आप बच्चों को सिखाइए, बताइए, और मैं समझना चाहूँगा कौन सी है अभी, क्या बताने वाले हैं सर आप? ये बटरफ्लाई किक करेंगे। ओके ओके ओके। मास्टर त्रिशा सिंह राठौर जी, जो नेशनल तक खेल चुके हैं जी, नेशनल में मेडल भी है इनका, और इन्होंने एलकेजी क्लास से स्टार्ट किया था। ये मेरे पास जब आए थे एलकेजी क्लास में थे, आज से 5 साल पहले। अब ये ड्रॉप किक अटैक करेंगे अक्षय जी, एंड बैक
दोनों चाकी हैं एंड राउंड की। जी नेक्स्ट स्टेप सर कुछ नया? यस। तो दोस्तों एस सिंह सिकरवार जी जी ये भी हमारे बहुत अच्छे होनहार फाइटर हैं जी। एस सिंह सिकरवार ब्लैक बेल्ट की तैयारी चल रही है इनकी जी, और ये भी नेशनल तक खेल चुके हैं जी, मेडलिस्ट भी हैं नेशनल में। ये क्या स्टेप होने वाली है सर? जी जी ये कंटिन्यू आपको बटर करके दिखाएंगे। अच्छा कंटिन्यू बटर, ओके। सर ये देखिए आप इनकी जी किस तरीके से ये दोनों चाकी किक को करके दिखाएंगे, इनका बैलेंस देखिए आप जी। पिता सिंह राठौर हैं, ये भी दोनों चाकी का अटैक भी कर रहे हैं, बैलेंस भी शो कर रहे हैं। स्ट्रेचिंग करो दोनों, तो सर ये समझना चाहूंगा। मैं ये आपके सामने बच्चियों को बुला रहा हूँ जी जी, लक्ष्मी सिकरवार जी और हमारी किरण तोमर जी। सर ये मतलब प्रहार के लिए है या डिफेंस के लिए, मतलब अपनी आत्मरक्षा के लिए स्टेप्स कौन सी हैं जी? हम इस कला से इन किकों के माध्यम से अपनी स्वयं की रक्षा भी करते हैं और एज ए गेम खेल है जी जी, इसके माध्यम से हम अपना एक अच्छी पहचान बना सकते हैं जी। गवर्नमेंट की साइड से काफ़ी बेनिफिट है, डिफेंस में बच्चे अगर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, मेडलिस्ट हैं, तो उनको गवर्नमेंट जॉब भी देती है और गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलता है, यानी कला के माध्यम से बहुत सारी संभावना भी बना सकता जी, बहुत सारी संभावनाएं भी हैं इस क्षेत्र में जी। बिल्कुल, अब आपके सामने सेल्फ डिफेंस की टेक्निक शो करेंगे किरण तोमर और लक्ष्मी सिकरवार। हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो इकट्ठे ज्वाइंट करके हम जिसे कुम से बोला जाता है टैकेट बोलते हैं, वो ये बच्चियां करके दिखानी होगी। यस श्लोक खेंग जुम्बी टैकेट थर्ड शीजाक One. Yes.
लेग होल्ड बैलेंस। अब जी आपके सामने बैलेंस करने जा रही हैं अपने लेग का जी। सर इधर पहले यस देखिए इस बच्चे का बैलेंस किस तरीके से इसने लेग होल्ड किया हुआ है। वेरी नाइस। फोन बोलो, फोन किसको? यस। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं मुरार के एक पार्क में। यहाँ पर ताइक्वांडो का प्रशिक्षण चल रहा है और अक्षय कैंसर हमसे जुड़े हुए हैं। वो है नए नए स्टेप्स यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सर नेक्स्ट क्या बताना चाह रहे हैं? सर आपके यहाँ सबसे जो छोटे प्रशिक्षक हैं वो मुझे ये नज़र आ रहे हैं, इनसे कुछ आप कराएं कुछ नई क्या कर सकते हैं? इन्होंने अभी रनिंग में है जी, एक ही महीना होने वाला है, अभी हुआ नहीं। ओके, फिर भी ये बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग सर आप शहर में कितने स्टूडेंट्स तक आप रीच हो चुके हैं, कहाँ कितने लोगों तक पहुंच चुके हैं, बच्चों तक पहुंच चुके हैं ये प्रशिक्षण करा दें? मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कितने बच्चों को प्रशिक्षण दे चुका हूँ। 93 से मैंने स्टार्ट किया था और आज 21 चल रहा है। जिन बच्चों को मैंने आज से 25 साल 26 साल पहले सिखाया था उनके बच्चे बच्चियाँ मेरे पास आने लगे हैं। तो बहुत एक समय आपका अनुभव मतलब इस क्षेत्र में हो चुका है, बहुत बड़ा चलेगा। पहले यहाँ ग्वालियर के अंदर ताइक्वांडो था ही नहीं, कराटे के नाम से क्लासेस रहते थे, जूडो के नाम से, कुंग फू के नाम से। ताइक्वांडो काफ़ी समय बाद लेके आए थे, मैंने इसको डेवलप किया और इसमें बहुत ही बेहतरीन सपोर्टिंग रहा मिस्टर अजय गुप्ता जो ग्वालियर सेक्रेटरी हैं ग्वालियर ताइक्वांडो एसोसिएशन के। अभी क्या स्टेप होने वाली है सर, क्या कराने वाले हैं? ये बच्ची भी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। ओके कंटिन्यू। इसका कॉन्फिडेंस देखिए आप जी। यस ये है हमारी बच्ची खुशी सिंह, इसको कुछ ही समय हुआ है और काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है इसका। सर खुशी से बात करना चाहूँगा, खुशी क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए आपको किसने प्रेरित किया, किसने आपको यहाँ पर आने के लिए बोला और ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे भी ताइक्वांडो का स्टूडेंट बनना चाहिए? थोड़ा सा आपके ही शब्दों में जानना चाहूँगा। यहाँ पर हैं वो? अच्छा अच्छा आप हैं, चलिए ठीक है ठीक। तो दीदी आप भी आ जाइएगा, थोड़ा आपसे भी समझूंगा। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली जिससे आपने खुशी को प्रेरित किया कि ताइक्वांडो आत्मरक्षा के गुर सीखना चाहिए? एक आंटी रहती थी, उनका भी बेटा है वहाँ पे, जी उससे मुझे मिली जी। आपको लगता है कि आज के समय में ये सीखना जरूरी है हर एक को? यस सर, आज के समय में बहुत जरूरी है, हर लड़की के लिए जरूरी है, इवन बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ही जी। आप जब से ये प्रशिक्षण ले रहे हैं आप क्या अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, क्या आप अपने आप में परिवर्तित महसूस करते हैं कि नहीं मैं पहले कोई भी बात को सहन कर लेती थी लेकिन आज मेरे पास में जी होता था, कोई भी कुछ बोल के चला जाता था लेकिन अपन कुछ बोल नहीं पाते थे, और आज के समय मैं अगर ताइक्वांडो कर रही हूँ तो अगर मेरे से कोई बोलता है तो मैं उसको जवाब देती हूँ जी। यानी आपके पास में जवाब है अपनी आत्मरक्षा करने का जी।
कितना समय हो गया आपको यहाँ पर? सर 2 इयर्स रनिंग में, थर्ड ईयर है। यानी 2 साल से आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। आपको लगता नहीं कि जैसे आज रविवार है, ऑफ डे होता है वर्किंग का, तो लगता है ये संडे है भाई, अब तो घर पे आज रेस्ट करते हैं, कार्टून देखते हैं या फिर अपना जो भी है छुट्टी मनाते हैं, ऐसा नहीं लगता आज के दिन भी आप यहाँ पर मौजूद हैं? ऐसा सर, टाइक्वांडो मतलब क्लासेस रहती हम लोग के, तो हम लोग को टाइक्वांडो से अच्छा ही लगता है कि हम लोग क्लास में जाएं और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करें। यानी आपको अंदर से भी लगता है कि नहीं पहुँचना चाहिए, क्लास मिस करूँगी तो कहीं ना कहीं मेरा ही नुकसान है। जी, और आप जो भी आपके मित्रगण हैं, स्टूडेंट हैं या शहर में रहने वाले या शहर से बाहर से रहने वाले आपके एज ग्रुप के हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब जैसे गर्ल्स हैं तो वो ताइक्वांडो जरूर करें, मार्शल आर्ट करें, सेल्फ डिफेंस है, ये आपके लिए बहुत अच्छा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अग्रिम भविष्य के लिए खुशी। आपसे आपकी बात, कहाँ तक जाना चाहोगे इस ताइक्वांडो के प्रशिक्षण में, पूरी जो भी है अंतिम छोर जो होता है वहाँ तक जाना चाहोगे? जी, अगर आगे डिग्री भी ले सकूँ तो जरूर। जी चलेगा, आपके लिए क्लैपिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, इंडिया खबर लाइव से आपने बात की। सर, अंतिम छोर पर हैं हम भी अपनी बात को पूरा करने के लिए। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरवासी, दर्शक या फिर जो भी आपके आने वाले स्टूडेंट? सभी शहरवासियों से कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जिस स्थिति में भी हैं हमारे सभी बच्चे, अभी देख ही रहे हैं आप COVID-19 की जो समस्या चल रही है उसके कारण बच्चे घर में ही हैं, ज़्यादा कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हर वो बच्चा जो अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करना चाहता है वो कहीं ना कहीं इस कला को ज्वाइन करे, स्टार्ट करे। हम हर स्थिति परिस्थिति में सपोर्ट करते हैं बच्चे का, बच्चियों का, और इस कला के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट से लेके नेशनल इंटरनेशनल तक बच्चे हमारे खेल रहे हैं। हम कंटिन्यू अपनी इस कला को बच्चों को सिखा रहे हैं, शहर में कई जगहों पर ब्रांचेस हैं, जहाँ भी जो रहते हैं आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारी फैकल्टी, हमारे साथ वाले जो है कोचेज, उनसे सीख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। चलिएगा सर, आपने अपना कीमती समय निकाला इस और इंडिया खबर लाइव से आपने बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।